एसडीएफ न्यूज स्वागत करता है आपका 10 बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं आजाद। पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि कोरोना संक्रमित होने के बाद अपने को सेल्फ आइसोलेशन में रख लिया है। कर्मठता, जीवटता, लगनशीलता और समर्पित भाव से काम करते रहना उनकी शैली रही है। बेहतर चिकित्सा पद्धति का लाभ प्राप्त कर डीएम के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। इस बीच जदयू के महासचिव आरसीपी सिंह भी बीमार हो गए हैं। उत्तर बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत के कामों में तेजी लाने का निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिए जाने के बाद अब स्थिति में सुधार देखी जा रही है। सामुदायिक किचन तथा शेल्टर का लाभ लोगों को मिलने लगा है। खास परेशानी मवेशियों को लेकर हो रही है। चारे की व्यवस्था करना जरूरी भी है और मजबूरी भी है। बिहार विधानसभा तथा परिषद के मानसून सत्र को लेकर पटना के ज्ञान भवन में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कल यानी सोमवार को एक दिनी सत्र के साथ ही कई महत्वपूर्ण कार्य निपटाए जाएंगे। गांधी मैदान क्षेत्र में सुरक्षा तेज कर दी गई है। कांग्रेसी नेताओं ने भी चुनाव आयोग से गुजारिश की है कि बिहार में कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य हो जाने के बाद ही विधानसभा चुनाव कराया जाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने बाढ़ और कोरोना की स्थिति को देखते हुए यह अपील की है। कोरोना की भयावहता के बीच भी कई लोगों को मास्क लगाना गंवारा नहीं। खास बात यह है कि पुलिसिया निगरानी के बाद भी कुछ लोगों को दंड देना मंजूर है, लेकिन मास्क लगाना मंजूर नहीं। शनिवार को लगभग 600 लोगों पर कार्रवाई की गई। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की माने तो पहले से ही मेडिकल कॉलेजों में वेंटिलेटर लगे हुए हैं, लेकिन इस बीच कोरोना काल में 488 वेंटिलेटर जरूरत के हिसाब से लगाए गए हैं। बॉलीवुड कलाकार सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में नित्य नए खुलासे होने के बाद कानूनी दावपेच की स्थिति बनती जा रही है। मुंबई गई बिहार पुलिस को अब कोर्ट का हवाला देकर साक्ष्य सौंपने की बात कही जा रही है। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी हर संभव सहयोग देने की बात कही है। अयोध्या इन दिनों सुर्खियों में है। इसी माह 5 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों मंदिर भूमि पूजन का विधिवत होना है। इसी बीच जानकारी मिल रही है कि पवित्र भूमि पूजन के अवसर पर बांटने के लिए पटना स्थित महावीर मंदिर के द्वारा 125,000 नैवेद्यम लड्डू सामग्री भेजी जाएगी। सूबे के कृषि मंत्री प्रेम कुमार का मानना है कि सूबे के 91% रोपाई हो चुकी है। बिहार के 30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान रोपा जा सका है। यद्यपि बिहार के कई जिले अभी बाढ़ प्रभावित हैं। अयोध्या नगरी सज धज कर तैयार किया जा रहा है। शासन प्रशासन से लेकर आम जनता के बीच उत्साह चरम पर है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते सभी श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि कम से कम लोग इस अवसर पर अयोध्या आए। पुलिस व्यवस्था को चौकस कर दिया गया है। तो अब तक 10 बड़ी खबरों को आपने देखा। आप बने रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए एसडीएफ न्यूज के साथ, और साथ ही इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।